हम सब लोगों को जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर के सिर्फ रिम्स के ही डॉक्टरों से हमारी बात नहीं हो रही, बल्कि जो दिल्ली के जितने बड़े डॉक्टर्स हैं जी, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स हैं, उन सबसे हम लोगों की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और हम लोगों ने आग्रह भी किया है वहाँ के डॉक्टरों से कि एक बार आकर के जो आदरणीय लालू जी को जरूर देखें, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस मैटर हो जाता है जब किडनी मात्र 25% ही काम करती है। इसके बाद जो है दिक्कत, हम लोगों को चिंता इस बात की है कि कहीं डायग्नोसिस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग सब लोग आए हैं, बिहार का चुनाव भी खत्म हुआ है और सेहत भी जो है वो ठीक नहीं है, तो हम लोग यहाँ आकर के उनका हालचाल जाने लगातार किसान को लेकर के, किसान जो अन्नदाता है देश का, जहाँ देश लगभग 70% जो है कृषि पे निर्भर करता है, किसानों पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं जहीं अगर आप उसको सम्मान नहीं दीजिए, पीछे है, क्योंकि ये पहला ऐसा हो रहा है, पहली बार कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को घुसाया जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। रेल बिक गया, BSNL बिक गया, आपका LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, हर जगह जो है प्राइवेटाइज होता जा रहा है। एक जो कृषि क्षेत्र था वो भी जो है प्राइवेटाइज हो रहा है। तो इसमें तो जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की जहां तक बात है, MSP की जहां तक बात है, किसान जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बार बार सरकार से भी बात चली लेकिन कामयाब नहीं रही। तो हमको तो लगता है कि सरकार को तानाशाह रवैया नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसानों की बात और जो मांग है, जो जायज मांगे हैं, उसको पूरा करना चाहिए। मान लीजिए जो फसल जो किसान उगाते हैं उनको उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा जी, तो किसान कहीं की नहीं रहेंगे। आज देश की स्थिति ये हो गई है कि किसान जो है कमजोर होता चला जा रहा है। बिहार और झारखंड के किसानों का तो छोड़ दीजिए, इतना कमजोर हो गया कि आवाज तक नहीं उठा पा रहा।